हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको अच्छा रखे, तंदुरुस्ती दे और बहुत सारी दुआओं के साथ। आज बस बैठे बैठे ऐसे मूड हुआ पिज़्ज़ा बनाने का, तो मैंने कहा चलो आज आप सबको पिज़्ज़ा बताते हैं कि पिज़्ज़ा में क्या क्या सामान कैसे कैसे डलता है और एमरजेंसी पिज़्ज़ा कैसे बनता है, कि घर में जो चीज़ें हैं उनके साथ हम किस तरह से बनाएंगे। मैं आपके साथ आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ से बताती जाऊँगी ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे साथ पिज़्ज़ा में यूज़ होंगी। पहले हम डो बनाएंगे, डो हम शुरू करते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। अब ये देखने में पिज़्ज़ा की डो बनाने लगी हूँ। मैंने इसके अंदर ये अंडा डाला है और ये काली मिर्ची डाली है, ये ऑयल डाला है, इसके अंदर काली पीसी भी काली मिर्ची हैं, नमक है, और ताकि मैं थोड़ी देर तक डो मेरे को तैयार कर लूँगी। मैं वो भी दिखाऊँगी कि कितनी मज़े वाली डो बनेंगी हमारी इंशाल्लाह। और आगे चलते हैं फिर गार्लिक सॉस। हमारा ये बिल्कुल डोज तैयार हो गई है। इसके बाद हमने इसके अंदर इसको कट लगाने हल्के हल्के, जैसे आपको पता ही है माशाल्लाह आप सब लोग पिज़्ज़ा खाते ही हैं, और इस दफ़ा हम थोड़ा सा स्पेशल पिज़्ज़ा हो जाता है हमारा ये। हमने हर चीज़ की घर के अंदर ही तैयार की है, तो इस वजह से हमने आपको सारी एक चीज़ माशाल्लाह इसमें बेहतरीन कोशिश है हमारी कि इसको हम बेहतरीन तरीके से करें। मैं बना रही हूँ, मेरा बेटा बना रहा है। अब दुआ करें कि किसकी अच्छी बनती है, देखते हैं। ये मैंने घर के अंदर ही तैयार किया था और साथ साथ में बहुत बहुत चटपटा पिज़्ज़ा, मसालेदार, और गार्निश कर रही हूँ मैं सारा इसको आपकी दुआ के साथ इंशाल्लाह। ये बेहतरीन काम जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा साथ साथ ये देखें, ठीक है, इसके साथ हम ये कसाई की साथ साथ ये चीज़ें भी, ऑयल का थे हमें किसी टोंगी भी कटोरी में रखा साथ साथ इसको भी। और ये कुछ हमने ली है अपनी, और ये टिक्का टिक्का जो कि हम डाल रहे हैं इसके अंदर, पहली पोटियाँ बहुत मज़े की पोटियाँ हैं ये। और ये जब हम बाहर दोबारा से इसके ऊपर हल्का सा इस चीज़ का, ये देखें जनाब, बस दुआ कीजिएगा कि जायका जो है ना बस मज़ा आ जाए। ये हम गार्लिक डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये जनाब पिज़्ज़ा बनेगा। और आप जब हम खाएंगे तो हम खुद ही अपने आप को याद करेंगे इतने मज़े का। और इसके तो माशाल्लाह से आप देख ही रहे हैं कि बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बस जल्दी जल्दी बन जाए और मैं खा लूं और आप सबको भी खिलाऊं और साथ साथ शेयर करती जाऊं कि देखो जी भाई ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत मज़े का पिज़्ज़ा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इसको हम तैयार करने के बाद दोबारा से। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। मैंने आपसे कहा था मेरे बेटे और मुझ में रेस लगी है, और अब ये देखे जनाब मेरे बेटे ने जो बनाया था पिज़्ज़ा वो बिल्कुल परफेक्ट मज़े वाला बना है।
और अब आप लोग आए, ये काटे चमचे सब कुछ पड़े हैं, सारा कुछ इंतज़ाम है। अब आप जल्दी से आके बस खा लें और फिर इसका जायका बताएं कैसा बना है। ये देखें भाई, हमारा पिज़्ज़ा तैयार है माशाल्लाह, और ये बिल्कुल बेहतरीन पिज़्ज़ा, ये देखें। और अब आप लोग बस खोलें और खाएं, ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना है हमारा। हमारी डो भी बहुत नरम बेहतरीन बनी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेहतरीन डो बनी है माशाल्लाह हमारी। और इंशाल्लाह दो में याद रखिएगा, और बेटे का भी जैसे पिज़्ज़ा बना लेते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं फिर।